हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। टोटल हेल्थ यूट्यूब चैनल में आपका पुनः एक बार दिल से स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, जैसे कि हमारी एक सीरीज चालू है कि कस्टमर के बजट के हिसाब से हम कौन से प्रोडक्ट दे सकते हैं और वो भी प्रायोरिटी के हिसाब से कैसे देना है, इसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड है और वो भी बहुत ही लोगों को चैलेंज आ रहा है कि इसके ऊपर क्या दे। तो यही टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये डिसीज का नाम है सफ़ेद दाग, और सफ़ेद दाग को विटिलिगो बोला जाता है। सफ़ेद दाग के ऊपर हम बात करेंगे। आपको भी ये चैलेंज आई होगी, तो मैं इस वीडियो में डिटेल बताऊंगा कि इस पेशेंट को क्या खाना है, क्या परहेज करना है, क्या नहीं खाना है, और सप्लीमेंट कौन से खाने और वो क्यों खाने, ये मैं डिटेल बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक जुड़े रहिए, अच्छे से जुड़े रहिए। चाहे तो आप इसको नोट्स बना के रख सकते हैं, नहीं तो आपके प्लेलिस्ट में इसको सेव कर सकते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप टोटल हेल्थ यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज वी आर वेस्टिजन, वी आर फैमिली, तो इतना तो हक बनता ही है कि सब्सक्राइब करो, ठीक है, और नोटिफिकेशन को भी ऑन करो। चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि ये सफ़ेद दाग तैयार कैसे होते हैं। ये सफ़ेद दाग के पीछे मैकेनिज्म जो है, जैसे अपने बॉडी में मेलानोसाइट्स नाम का एक सेल्स है, वो सेल्स क्या करती है कि मेलानिन प्रोड्यूस करती है, और मेलानिन यही अपने कलर को मेंटेन कर लेता है, सभी के बॉडी को, पेशेंट के बॉडी को कलर को मेंटेन कर लेता है। अगर ये कम हो गया तो मेलानिन कम होने के चलते कि सफ़ेद दाग तैयार हो जाते हैं। और यही हमें क्या करना है कि कौन से हमें ऐसे प्रोडक्ट फूड वगैरह खाने हैं जिससे मेलानिन बना रहेगा, और कौन से हमें ऐसे फूड या चीज़ों को अवॉइड करना है जिससे मेलानोसाइट्स को डैमेज कर। इस चीज में होता क्या है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अपना काम धाम जो बोलते हैं ना, कि उससे क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा आदमी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में आ जाता है। और दूसरा जो है अनहेल्दी हैबिट्स, ज्यादा देर तक जगना, ड्रिंक करना वगैरह, वो सब मतलब सभी हार्मोनल का इंबैलेंस होना, इसके चलते भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा हो जाता है। और वो क्या करता है कि फ्री रेडिकल्स को पैदा करता है, और यही फ्री रेडिकल्स कोलेस्टेरॉल जो बोलते हैं कि हार्ट ब्लॉकेज वगैरह, वो जो नसा नस ब्लॉक करना वगैरह, वो सब चीज़ों में मेन इसका रोल रहता है। और वही क्या करता है कि मेलानोसाइट्स को है जो कि मेलानिन पैदा करता है, उसी को भी डैमेज कर लेने में बहुत ज़्यादा इसका हाथ रहता है। तो इसलिए फ्री रेडिकल्स को बनने नहीं देना है, ठीक है। तो पहले तो आपका हैबिट सुधारो, पहले तो आपका जो चीज़ें हैं वो अच्छे से सात्विक करो, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं कि आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपका मेंटल स्ट्रेस कम रहेगा, तो आपकी बॉडी फ्री रेडिकल से मुक्त रहेगी। दूसरी बात है कि अभी इस चीज़ में हमें क्या करना है कि इस चीज़ में कौन सी चीज़ें खानी है, कौन सी चीज़ें पहले बात करते हैं कि नहीं खानी है। जैसे रेड चिलीज है, मैंगो है, नहीं खाना है, रेड चिलीज नहीं खानी है, बादाम नहीं खाना है, पिस्ता नहीं खाना है, सुपारी जैसे एरिका उसको नट्स बोलते हैं, वो नहीं खानी है। क्यों नहीं खानी है? क्योंकि उसमें जो फिनॉल्स और जो टैनिंस रहते हैं वो मेलानोसाइट्स को पूरा डैमेज कर लेते हैं, इसलिए मेलानिन पैदा नहीं होता और सफ़ेद दाग तैयार हो जाते हैं। वैसे अगर हम क्या खाना है वो चीज़ में बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं। उसमें जो ग्रीन वेजिटेबल्स है और वो भी लीफी वेजिटेबल्स, जैसे कि हरी सब्जियाँ बहुत अच्छी तरीके से हम उसको खा सकते हैं। दूसरी बात है बीट खा सकते हैं और गाजर खा सकते हैं। उससे क्या हो जाएगा, उससे कॉपर मिलेगा। अभी ये कॉपर और टायरोसिन, ये कॉपर और टायरोसिन वो क्या करता है, मेलानोसाइट्स को मजबूत बना देता है, और मेलानोसाइट्स जो मेलानिन पैदा करता है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए कॉपर जरूरी है, सेलेनियम जरूरी है और टायरोसिन जरूरी है। ये जो है हमें बीट से और गाजर से मिलेगा, इसलिए अभी जो है कि ये पदार्थ हमें खाने हैं, बीट्स और गाजर जरूर खाने हैं ऐसे केस में, ठीक है। दूसरी बात है गैस एसिडिटी कभी नहीं होने देना, पानी ज़्यादा पीना ऐसे पेशेंट को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है कि उसमें काजू बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करेगा, काजू का सेवन करना चाहिए, काजू खाना चाहिए, क्योंकि काजू में बहुत ज़्यादा मात्रा में टायरोसिन और कॉपर रहेगा, ठीक है। तो ये एंजाइम्स, ये टायरोसिन एंजाइम है, कॉपर एक मिनरल्स है। तो इसके साथ अभी हम सप्लीमेंट का नाम लेते हैं। सप्लीमेंट इसमें क्या लेना है, कॉपर और सेलेनियम हमें कहाँ से मिलेगा, कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप से, CMD से मिलेगा। इसलिए CMD ऐसे पेशेंट को देना है। पहला प्रोडक्ट याद रखिए, आप सभी लिख के रखिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। और दूसरा जो है कि ऐसे केस में इंपॉर्टेंट है विटामिन ए की मात्रा जरूरी है। विटामिन ए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जो एंजाइम है, वो एंजाइम जो बनती है उस एंजाइम की वजह से मेलानिन प्रोड्यूस हो जाता है, उसके लिए विटामिन ए बॉडी में रहना जरूरी है। इसलिए विटामिन ए आप बॉडी में रखना है। विटामिन ए कहाँ से मिलेगा, गाजर से और बीट से मिलेगा, और बहुत सारा जो नॉनवेज सोर्स है उससे आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ से हम ले सकते हैं, ठीक है। विटामिन ए तो हो गया, उसके साथ अभी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मैंने बोला था कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के चलते फ्री रेडिकल्स पैदा हो जाते हैं, और फ्री रेडिकल्स पैदा हो जाते हैं तो इसको कैसे खत्म करना है, इसको खत्म करना है अपने पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का जो सोर्स है उससे कम करना है। वो कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा फ्लैक्स ऑयल से। तो दूसरा सप्लीमेंट आएगा आपका फ्लैक्स ऑयल, तो फ्लैक्स ऑयल वो इंपॉर्टेंट है। अभी इसके साथ फ्लैक्स ऑयल के साथ आपको ओमेगा 3 का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सोर्स क्रील ऑयल भी मिलेगा। अभी ये दोनों भी मिलेगा। क्रील ऑयल से क्या हो जाएगा, ये जो फिश सोर्स है इसलिए क्या हो जाएगा कि आपको कॉपर भी कई मात्रा में मिलेगा, इसलिए दोनों तरफ से ये काम करेगा। क्रील ऑयल दोनों तरफ से काम करेगा और फ्लैक्स ऑयल भी दोनों तरफ से काम करेगा। फ्लैक्स ऑयल में विटामिन ई के चलते वो क्या करेगा, ऐसी केस में विटामिन ई भी बहुत जरूरी रहता है सफ़ेद दाग में, तो ये विटामिन ई की भी पूर्तता करेगा फ्लैक्स ऑयल। तो दोनों तरफ से ओमेगा 3 और विटामिन ई के लिए भी आप
फ्लेक्स ऑयल दे सकते हैं। तो सीएमडी हो गया, क्रेल ऑयल हो गया और फ्लेक्स ऑयल हो गया, ठीक है। तो अभी इससे भी बहुत ही ज्यादा सबसे ज्यादा बढ़िया है कि फ्री रेडिकल्स को डैमेज है और नए फ्री रेडिकल्स तैयार नहीं होने चाहिए, इसलिए हमें कौन सा प्रोडक्ट देना है, इसलिए हमें विटामिन सी देना है। और विटामिन सी हमें कहाँ से मिलता है, अभी देखिए ये पूरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही गलती करते हैं लोग, ठीक है। अभी अभी जो है विटामिन सी एक सुपर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि इसमें जो है ये जो है आंवला है, विटामिन सी उसमें है। और विटामिन सी आंवला ऐसे पेशेंट को आप दे दीजिए, लेकिन विटामिन सी की मात्रा सी बक्तौन में 100 गुना ज़्यादा रहती है ऐसे केस में। लेकिन हमें सी बक्तौन ऐसे केस में देना नहीं है, मैं तो नहीं देता हूँ, क्यों, इसलिए हमें रिजल्ट मिले हैं, ठीक है। तो सी बक्तौन नहीं देना है, क्योंकि सी बक्तौन है चेरी, चेरी मतलब लड़ाक की चेरी बोलते हैं, ठीक है, वो बेरीज है। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है कि जरूर उसमें विटामिन सी है, लेकिन अगर उसमें मान लीजिए फिनॉल से, उसमें टैनिन से, तो वो रिपीट अटैक होगा। तो इसलिए ऐसे केस में मैं तो अवॉइड करता हूँ, आप अगर अवॉइड कर सकते तो बढ़िया, क्योंकि इससे रिजल्ट मिला है, ठीक है। तो सी बक्तौन बाजू में रखिए, ऐसे केस में देना है हमें आंवला। और दूसरी बात है गैनोडर्मा, क्योंकि मशरूम इंपॉर्टेंट है, और ये मिनरल्स जो है कॉपर का मिनरल्स, जैसे टायरोसिन बनाने के लिए मशरूम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे केस में आप मशरूम अपना गैनोडर्मा दे दीजिए, ये वनस्पति का राजा है और एंटीऑक्सीडेंट भी उसमें है, तो ये गैनोडर्मा यहाँ बहुत ज़्यादा काम करेगा। तो आपको समझ में आ गया कौन सा सप्लीमेंट, सीएमडी बोला, फ्लेक्स ऑयल बोला, क्रील ऑयल बोला, आंवला बोला, और जैसे कि ये अपना गैनोडर्मा, ठीक है। तो ये हो गया, अभी कौन सा इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, अभी हम बात करेंगे ऐसे केस में विटिलिगो, सफ़ेद दाग जिस पेशेंट को रहता है, इसी ऐसे पेशेंट में अगर हीमोग्लोबिन 11 से नीचे आ गया तो ये विटिलिगो ज़्यादा बढ़ जाता है, भड़क जाता है, ठीक है। तो इसलिए हीमोग्लोबिन मेंटेन रहना जरूरी है, क्योंकि ऐसे पेशेंट में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो क्या करता है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इससे हीमोग्लोबिन कम हो जाता है अक्सर। तो जैसे मैंने देखा ऐसे पेशेंट में, तो ठीक है, ऐसे पेशेंट में हम क्या करेंगे कि आयरन फॉलिक ज़्यादा होना जरूरी है, इसलिए उसको आयरन फॉलिक का एक सोर्स दे देंगे, ठीक है। तो आयरन फॉलिक उसमें जरूर ऐड कीजिए, देखिए सप्लीमेंट कैसे मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से, और क्यों लेना ये भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आयरन फॉलिक दे दीजिए उसमें, ये तो हो गया। अभी ऐसे केस में कैल्शियम भी आप दे सकते हैं, कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे केस में कैल्शियम दे दीजिए। ये बेसिक सप्लीमेंट मैंने आपको बताया, और इसके साथ आप नोनी दे सकते हैं, क्योंकि नोनी इसको इसका जो बॉटनिकल नेम है उसको मोरिंडा सिंड्रोफोलिया बोला जाता है, और नाम से ही पता चलता है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा होगी, ठीक है। तो ये प्रोटीन की मात्रा की पूर्तता करेगी। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन से जैसे सिस्टीन, इसमें सिस्टीन नाम का एक प्रोटीन जो है वो जरूरी लगता है इसमें, तो ये इसकी पूर्तता करेगा वो। तो नोनी भी आपको देना है, स्किन के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, मेलानिन प्रोड्यूस करने में 100% ये भी मदद करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और ऐसे केस में कैल्शियम मेंटेन रखिए, गाय का दूध अगर वो पी लेगा पेशेंट तो भी अच्छा है, कर्क्यूमिन आप जरूर दे दीजिए इसमें, क्योंकि कर्क्यूमिन जो है कर्क्यूमिनाइट्स रहता है वो भी, यही है सफ़ेद दाग के बारे में, यही सप्लीमेंट है, इसको दे दीजिए बजट के हिसाब से। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि वी आर फैमिली में फिर से एक बार बोल रहा हूँ, अपना हक बनता है, वी आर वेस्टिजन, तो 100% आप श्योर शॉट सब्सक्राइब करना। और कहीं आपको अगर प्रॉब्लम है किसी सप्लीमेंट या किसी डिसीज के बारे में, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो व्हाट्सअप नंबर पे भी आप मुझे जो स्क्रीन पे दिख रहा है मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करेंगे तो मैं जल्दी रिप्लाई दे सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।